दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आप लोगों का प्रथम प्रश्न पत्र हुआ है, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। दोस्तों जो मैंने आपका पेपर आउट वीडियो बनाया था उसमें से आप लोगों के लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 70 से लेकर के 80% क्वेश्चन दोस्तों वहीं से आए हुए हैं। अगर आप लोग देख करके गए होंगे दोस्तों तो आप लोगों को ज़रूर पता लगा होगा। चलिए दोस्तों मैं इसका सलूशन कराता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा तक जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, और शाम को आप लोगों का पेपर आउट वीडियो साइंस और मैथ की आएगी उसे दोस्तों ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है दोस्तों, ज्ञ वर्ड जो है वो किससे बनता है। तो दोस्तों ज्ञ का अगर आपको जिसको नहीं पता है ना, इसका क्या करिए आप, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए या इसकी स्पेलिंग लिखिए। तो जी और वाई होता है, तो ज और ञ से मिलकर के आप लोगों का ज्ञ वर्ड बनता है दोस्तों। तो आप लोगों का राइट जो आंसर आपका क्या आंसर हो जाएगा, देखिए दूसरा हो जाएगा, ज और ञ से। मूल स्वर क्या होता है दोस्तों, मूल स्वर आप लोगों का अ ई उ ऋ ऋ, तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला हो जाएगा आपका मूल स्वर। पार्श्विक वर्ड कौन सा है दोस्तों, तो इसमें से जो आप लोगों का ल जो है दोस्तों वो क्या होता है आपका, पार्श्विक वर्ड होता है। अगला आपका दोस्तों क्या है कि पठन भाषा शिक्षण का रूप है दोस्तों। तो पठन भाषा शिक्षण का जो आप लोगों का क्या है, कैसा रूप है दोस्तों, तो मौलिक रूप है। पठन भाषा शिक्षण का क्या है, मौलिक रूप है दोस्तों। अगला देखिए, त्रिपथमा समानार्थी है दोस्तों। तो त्रिपथमा दोस्तों समानार्थी आपका, ये कन्फ्यूजन है दोस्तों कि किसका है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि त्रिपथमा जो है किसका समानार्थी है दोस्तों। अगला है आप लोगों का देखिए कि मर्त्य का विलोम है दोस्तों। तो मर्त्य का विलोम क्या होगा भाई, मर्त्य का मतलब होता है मरना, तो अमर्त्य हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, अजय और अमर्त्य, आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, अमर्त्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों, योजक चिन्ह पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों कि योजक चिन्ह इसमें से कौन सा, तो चौथा आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों, ये योजक चिन्ह का है। अगला दोस्तों कि दीर्घायु हो वाक्य है दोस्तों, तो एक ऐसा है कि दीर्घायु हो, ये आप लोगों का इच्छा सूचक वाक्य है दोस्तों। कैसा है आप लोगों का, इच्छा वाचक वाक्य है। वर्ष ध्वनियाँ हैं दोस्तों, तो वर्ष ध्वनियाँ कौन सा हो जाएगा, देखिए न ल स आप लोगों की कौन सी है, वर्ष ध्वनियाँ हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आप लोगों का कि अयोग वाह के भेद हैं अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग, तो आप लोगों का उपरोक्त दोस्तों आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों इसमें कि 4389 में दहाई वाला अंक, तो दोस्तों 4389 है, तो इकाई वाला ये हो जाएगा आपका, दहाई वाला ये हो जाएगा, दहाई कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दहाई वाला अंक आप लोगों का 8 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल और व क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है दोस्तों। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्या दोस्तों एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चली जाती है दोस्तों, तो इसमें एक भी है, दो भी है और तीन भी है, तो उपरोक्त क्या हो जाएगा आपका, सभी हो जाएगा दोस्तों। इसमें दिया है दोस्तों 14 से -10 है क्या, 14 से -10 है क्या तक के अंकों में सबसे छोटा अंक दोस्तों, तो 14 से -10 तक में सबसे छोटा दोस्तों, तो सबसे छोटा आप लोगों का क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, माइनस का आप लोगों का 2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए ना कि मेरे पास 2 रुपये है, तो इसका मतलब मैं 2 रुपये प्लस में हूँ, और माइनस 2 का मतलब मैं 2 रुपये क्या हूँ, कर्ज में हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करिए। अगला दोस्तों, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है संयुक्त और द्वित्व। हाँ दोस्तों, संयुक्त भी व्यंजन हो जाता है और द्वित्व भी हो जाता है दोस्तों, परस्पर मेल से, तो आप लोगों का 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं दोस्तों, आप लोगों का कितना सही हुआ है ज़रूर आप लोग बताइएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं दोस्तों। तो दोस्तों भाषा का क्या पूछा है आपका, प्रमुख अंग पूछा है दोस्तों। तो भाषा का प्रमुख अंग जैसे आपका देखिए क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, शब्द हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ये आपका भाषा के प्रमुख अंग हैं दोस्तों। पठन के 2 उद्देश्य इसमें पूछा है दोस्तों, पठन का 2 उद्देश्य दोस्तों। तो पठन का उद्देश्य दोस्तों सबसे पहले हम लोग पठन कौशल का विकास करना, पहला तो उद्देश्य यही लिख सकते हैं, देखिए पठन कौशल का विकास करना, पठन जो कौशल है उसका विकास करना। दूसरा बोल सकते हैं दोस्तों सामाजिक विषयों का ज्ञान, ये सभी आप लिख सकते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, हलंत किसे कहते हैं,
क्या पूछ रहा है दोस्तों? हलंत किसे कहते हैं? तो दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि हलंत का जो प्रयोग है दोस्तों, क्या कि हलंत का जो आप लोगों का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है दोस्तों? मतलब कि व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, जैसे कि क है दोस्तों, अगर इसको हलंत का अगर हम इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे ये आपका हलंत का चिन्ह है इसका, तो ये स्वर रहित हो जाता है। तो इसके अब आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके अंत में स्वर रहित व्यंजन वर्ण हो उसे हलंत कहते हैं। क्या? जिसके अंत में स्वर रहित व्यंजन वर्ण, जैसे क है तो इसमें दोस्तों स्वर है लेकिन स्वर रहित करने के लिए हलंत का प्रयोग करेंगे तो ये क जो है स्वर रहित हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगला है कि अयोगवाह किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं ना कि अयोगवाह क्या होता है दोस्तों? ऐसे वर्ड दोस्तों जिनकी गणना न तो स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है। क्या दोस्तों? जिनकी जो गणना है ना तो आपका किस में स्वर में किया जाएगा और ना ही किस में व्यंजन में किया जाएगा, उनको अयोगवाह कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों का अंग और अह, ये सब क्या है आपका? अयोगवाह होता है। अगला क्या है दोस्तों? समास किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? समास किसे कहते हैं दोस्तों? तो समास बोल सकते हैं दोस्तों कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास बोलते हैं। क्या दोस्तों? दो या दो से अधिक, क्या दोस्तों? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन वर्ड, बने हुए एक नवीन वर्ड, क्या होता है? नवीन वर्ड, नवीन एवं सार्थक शब्द को बोल सकते हैं समास। जैसे दोस्तों रसोई के लिए घर, जैसे है रसोई के लिए कोई घर है तो उसे हम लोग लिखते हैं रसोई घर, रसोई घर। तो ये क्या होगा दोस्तों? ये समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों? हृष्ट स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हृष्ट स्वर कहते हैं। जैसे आपका अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया, ये सभी ये होगा। अगला दोस्तों क्या है आपका? देखिए कि हिंदी की लिपि कौन है? तो हिंदी की देवनागरी। कौन सी दोस्तों? देवनागरी लिपि है। कौन सी? हिंदी की देवनागरी लिपि है दोस्तों। अगला है दोस्तों अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी हैं दोस्तों? तो जैसे अनुनासिक ध्वनि आपका दोस्तों जिसके जो मतलब कि कौन कौन सी है दोस्तों? तो अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सा है जिनका नाक और मुख दोनों से प्रयोग होता है दोस्तों? जैसे आपका अंग, अंग, तो इसका नाक और मुख दोनों से प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक ध्वनियाँ होते हैं। जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लग जाता है, जैसे कि आ बोलते हैं दोस्तों आ, तो इस ये भी इस तरीके से भी आपका क्या होता है? अनुनासिक ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों। गणित के अवयव दोस्तों, तो पहला तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तत्समक अवयव हो जाएगा। गणित के अवयवों का नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो सॉरी आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? देखिए तत्समक अवयव हो जाएगा, तत्समक अवयव, और संवरक हो जाएगा, संवरक हो जाएगा, साहचर्य हो जाएगा, ये सभी क्या है दोस्तों? इसके अंतर्गत अवयव के अंतर्गत आते हैं। शुद्ध उच्चारण के कारण बताइए दोस्तों। नहीं शुद्ध नहीं है, अशुद्ध उच्चारण। तो अशुद्ध उच्चारण का कारण ये पूछ रहा है, तो पहला कारण आप बता सकते हैं देखिए अशुद्ध उच्चारण का, कि पहले बात तो वर्ण जो हैं उनका जो उच्चारण स्थान है न पता होना। जैसे क वर्ण कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, तो वर्णों का उच्चारण स्थान न पता होना। दूसरी बात मात्राओं का सही से ज्ञान न होना कि भाई जैसे क है तो ई की छोटी मात्रा है तो की, बड़ी मात्रा है तो की। तो भाई पहला चीज क्या है कि वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का जो है उच्चारण स्थान का पहले पता न हो। दूसरा दूसरा दोस्तों कि मात्राओं का सही ज्ञान, मात्राओं का सही ज्ञान का अगर पता नहीं रहेगा तब पर भी आप लोगों का वो हो जाएगा दोस्तों। अगला आपका पूछा है देखिए ध्वनि की परिभाषा। तो दोस्तों बोल सकते हैं ध्वनि वो होता है दोस्तों जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे ध्वनि बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसका और टुकड़ा न किया जा सकते, या वह सार्थक ध्वनि जिसका और टुकड़ा न किया जा सकते, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों इसके मात्रा में, या दोस्तों अपने तरीक़े से आप लोग दोस्तों इसको लिख सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों
के उच्चारण तथा श्रवण की दृष्टि से स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व रखने वाली भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की लघुत्तम इकाई का नाम ही क्या है, ध्वनि, ऐसा आप लिख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या बोलते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजन आप ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों कि दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बनने वाले व्यंजनों को क्या बोल सकते हैं, देखिए कि दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बनने वाले जो वर्ण होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका ज्ञ हो गया, स्र हो गया, छ हो गया, ये सभी क्या है, संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। अगला श्रुत लेख क्या है दोस्तों, इसका महत्व बताइए। तो देखिए श्रुत लेख का मतलब होता है सुनकर के किसी चीज़ को लिखना। तो श्रुत लेख का महत्व क्या है दोस्तों, इससे लड़का क्या कर सकता है, देखिए बाल शिक्षक क्या करते हैं, बालक के अंदर सुनने और लिखने की जो दोस्तों क्षमता का क्या करते हैं, विकास करते हैं, तो उसे श्रुत लेख आप बोल सकते हैं, ठीक है। आरोही क्रम को उदाहरण से ही समझाइए दोस्तों। आरोही क्रम का क्या होता है कि संख्या को छोटे से बड़ा, क्या हो दोस्तों, छोटे से बड़े रूप में, या संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना ही क्या होता है, आरोही क्रम लिखाता है। जैसे कि कोई संख्या देखिए 9, 4, 3, 5 है, तो इसको अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, जैसे 3 है, 3 के बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद 5 लिखेंगे, 5 के बाद 9 लिखेंगे, तो ये क्या है आपका, आरोही क्रम है। अगला दोस्तों पूछा है आपका, देखिए कि इसके सभी अंकों का स्थानीय मान पूछा है दोस्तों। तो अंकों का स्थानीय मान, जैसे देखिए 9 का स्थानीय मान तो आपका 9 ही होगा, 8 का स्थानीय मान देखिए 8 × 10 बराबर आपका 80 हो जाएगा, और ये सैकड़ा वाला पर जो 8 है, 8 × 10 क्या हो जाएगा आपका, 100 बराबर 800 हो जाएगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, इन सभी संख्याओं का स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों। अब आपका लघुतरी प्रश्न आ जाता है, इसको देख लीजिए बस, कि भाषा शिक्षण में लेखन का उद्देश्य था, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं आप लोगों को बताना है, लोकगीत से आप क्या समझते हैं, शून्य की संकल्पना से आपके बच्चों को आप इसका ज्ञान कैसे देंगे, भारत के प्रमुख अवयवों को स्पष्ट करते हुए भाग की संक्रिया को दर्शाइए, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, दो विराम चिन्हों का उल्लेख करिए दोस्तों। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, जब किसी भी चीज़ों को बोलने के लिए हमें क्या करता है, हल्का रुकना पड़ता है, उसे विराम चिन्ह बोलते हैं। अपने बच्चों को गिनते का ज्ञान कैसे कराएंगे, आपको लिखना था, जोड़ की प्रक्रिया में हासिल के महत्व को बताइए, स्थानीय मान किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए, कहानी शिक्षण के लाभ बताइए। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का उम्मीद है कि पेपर आउट जो वीडियो मैंने बताया था उसमें से दोस्तों आप लोगों का बहुत से पेपर आए हैं, बहुत से क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के आए हुए हैं। आप लोगों को कैसी वीडियो लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलेंगे दोस्तों आप लोगों का अगले वीडियो में, आप लोगों अगले प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।